हेलो दोस्तों, इस वीडियो में माध्यिका को कैसे निकाला जाता है देखेंगे। तो ये जो दिया गया आंकड़ा है उसका माध्यिका निकालना है। इसमें प्राप्तांक दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। स्टार्टिंग वाला जो मान है उसको निम्न सीमा बोला जाता है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये स्टार्टिंग वाला मान है, ये निम्न सीमा है। और ये जो वाला मान है उसको उच्च सीमा बोला जाता है, ठीक है। और इसमें बारंबारता दिया है 4, 5, 3, 8, 6 और 10, ठीक है। तो इसका माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने का सूत्र होता है m इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच। अब इसमें सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को n बटे दो निकालना होगा। तो n बटे दो निकालने के लिए n है क्या चीज़, इसको देख लेते हैं। तो n जो होता है, ठीक है, एन जो होता है दोस्तों वो सिग्मा एफ होता है। क्या होता है? सिग्मा एफ। एन का मान निकालने के लिए सिग्मा एफ निकालना पड़ेगा। और सिग्मा एफ जो होता है ये एफ के सभी अंकों को जोड़ना होता है। सभी अंकों को जोड़ेंगे वो एन का मान मिल जाएगा। तो एन का मान सबसे पहले निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 4 में 5 जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा, और 9 में 3 जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में 8 जुड़ेगा तो 20 हो जाएगा, और 20 में 6 जुड़ेगा तो 26 हो जाएगा, और 26 में 10 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 36 आ जाएगा। अर्थात n का मान कितना मिला आपका, 36 मिला, ठीक है। अब n का मान 36 मिला है तो n बटे दो भी मिल जाएगा। तो n बटे दो निकाल लेते हैं, 36 में 2 का डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ गया 18। तो ये 18 आ गया n बटे दो का मान। अब हमें चाहिए सी एफ का मान चाहिए। अब सी एफ का मान कैसे मिलता है देखिए दोस्तों, सबसे पहले सी एफ निकाल लेते हैं, फिर 18 से बड़े वाले मान को देखा जाता है, छोटे वाले मान को नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले सी एफ निकाल लेते हैं। तो ये जो 4 है उसको यहाँ पर लिख दो, फिर 4 को या इसमें जोड़ो। तो 4 में 5 जुड़ेगा तो 9 आ जाएगा, फिर 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा, और 26 में 10 जुड़ेगा तो 36 आ जाएगा। तो हम लोग जो n बटे दो निकाले हैं 18, उससे बड़े वाले मान को देखना है। तो ये तो छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, और ये 20 बड़ा है। तो बड़े वाले मान को आप लोगों को ऐसे घेर देना है, ठीक है, घेर दो, उसके बाद बनेगा। अब ये जो मिला है 20, इससे बड़ा है 18 से, जस्ट इसके ऊपर वाला मान जो होता है वह सी एफ का मान होता है। किसका मान होता है? सी एफ का मान, मतलब संचयी बारंबारता सी एफ का मान होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को मिल गया है, यहाँ पर लिख देते हैं आपका सी एफ कितना मिल गया, 12 मिल गया, ठीक है। अब 12 मिल गया है, अब उसके बाद क्या होगा देखिए, एफ का मान निकालना है। एफ का मान यही है, एफ का मान आपका है 8, एफ का मान ये वाला है 8, ठीक है, ये एफ का मान होगा। अब यहाँ पर देखिए एल, एल है क्या चीज़, इसी में जो ये जो निम्न सीमा होता है वही एल का मान होता है। तो आपका एल का मान मिल गया 30, ठीक है। अब यहाँ पर एच का मान और चाहिए, तो एच है क्या, वर्ग अंतराल। तो इसका वर्ग अंतराल कितना है, 30 और 40 में कितने का अंतर है, तो 10 का अंतर है, ठीक है। तो इन सभी का मान मिल गया, एल का मान एन बाई टू भी मिल गया, सी भी मिल गया, सी एफ भी मिल गया, एच भी मिल गया और एफ भी मिल गया। सभी मान को इसमें रख कर इसका हल करेंगे, फिर आपका मध्य का मिलकर आ जाएगा, ठीक है। एल का मान कितना मिला देखिए, 30 मिल गया, यहाँ पर 30 रखो, 30 प्लस एन बाई टू आपका है 18, माइनस सी एफ है आपका 12, 12 रख दिया, एफ का मान कितना निकला है, 8 निकला है, फिर गुणा करके एच का मान कितना है, 10 है, ठीक है। इसको हल करेंगे तो देखिए 30 प्लस 18 में 12 घटेगा तो 6 आ जाएगा, 6/8 गुणा 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर गुणा है, तो सबसे पहले गुणा कर लो, तो 30 प्लस 10 × 60 हो जाएगा, 7/8। अब इसमें 60 में 8 को भाग देंगे तो कितना आएगा देखिए, 30 प्लस इसको भाग दीजिए तो 8 × 7 = 56, बच गया 4, ठीक है। दशमलव लगाएंगे तो 40 हो जाएगा, फिर 8 × 5 = 40, अर्थात ये 7.5 से कट जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो आपका मध्य का आ जाएगा, 30 में 7.5 को जोड़ेंगे तो ये 37.5 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर यही है, अर्थात मध्यिका कितना मिल गया, 37.5।
तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।